हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजी एडुकेशन में आपका स्वागत है। तो आइए, हम आज एक न्यू टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट जारी होने के बाद अब बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट का इंतजार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक रिजल्ट में काफ़ी देरी हो चुकी है और लॉकडाउन के कारण अभी तक सभी कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हो पाया है। तो हम आप लोगों को बता दें कि सिर्फ 75% कॉपी का मूल्यांकन अभी तक हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, 75% ही कॉपी का मूल्यांकन अभी तक हो पाया है। और बिहार में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के कारण 14 अप्रैल तक मूल्यांकन स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में कोरोना वायरस महामारी चल रही है, जिसके कारण बिहार को लॉकडाउन कर दिया गया है और सभी ऑफिस को बंद कर दिया गया है। इससे 14 अप्रैल तक मूल्यांकन को स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले 31 मार्च तक कोरोना वायरस महामारी के कारण मूल्यांकन स्थगित कर दिया गया था। अब देश भर में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन 14 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है, जिससे रिजल्ट में देरी हो रही है। अगर बोर्ड 14 अप्रैल से मूल्यांकन का काम शुरू होता है तो अप्रैल लास्ट वीक तक, जी हाँ दोस्तों, अगर 14 अप्रैल से मूल्यांकन का काम शुरू होता है तो अप्रैल लास्ट वीक तक बोर्ड मैट्रिक के नतीजे जारी कर सकते हैं। बस यही एक छोटी सी डिटेल्स हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।